इतने, पहली बात तो इतने दिनों के बाद कोई फॉर्म भी आता है, ऊपर से 500-500, अभी यूपी पुलिस का जो फॉर्म आया 500-500 रुपए वो चार्ज लिए थे। जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, रात रात दिन मर रहे हैं, उनको, उनके लिए तो सोचना चाहिए। मंदिर बनवा रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनवाइए आप मंदिर। पढ़ाई का महत्व वो समझता है जो यहाँ मर रहा है, जिसके घर से खर्चे आ रहे हैं 5,000 रुपये, 5,000 रुपये घर के लोग देते हैं और उसमें खर्चे चलाओ, लाइब्रेरी आओ तो अपने पर्सनल चीज़ों का करो। उधार मांगकर घी पीने वाली बात हुई, उधार मांगकर घी पीना आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना नहीं कहलाता। आयोग में हम जाते हैं, हम याचिका लगाते हैं, कोर्ट जाते हैं और हमारी कॉपीज़ नहीं दिखाई जाती हैं, OMR जला दी जाती है या मेंस की कॉपीज जला दी जाती हैं। तो हमारे तो यही मुद्दे हैं कि जो भी काम हो वो पूरी निष्पक्षता से हो और पूरी पारदर्शिता उसमें बरती जानी चाहिए। सर, हम तो युवा हैं और पढ़ाई करते हैं, तो हमारे हिसाब से रोज़गार प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। सर, फिलहाल राजनीति जो है वो जाति के आधार पर है और फूट डालो राज्य करो जो अंग्रेजों की नीति थी, फिलहाल तो वही है, हिंदू मुस्लिम में बांटो और राजनीति को आगे बढ़ाओ, यही चल रहा है। ये सब तभी संभव है सर जब BJP आएगी बस। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं इलाहाबाद की एक लाइब्रेरी में, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जो अलग अलग सरकारी एग्ज़ाम्स या दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम लोग पूछेंगे कि उनके हिसाब से चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए और जो देश में राजनीति फ़िलहाल हो रही है वो लोग इससे खुश हैं या इसके इतर कुछ अलग राजनीति होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमराज है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है मेरा। कि अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ? अभी तो मैं CPO साइड की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन जो है, पहले तो मैं उस पर कटाक्ष करना चाहूँगा। बिल्कुल कहिए। उनकी जो पॉलिसी है कि एक सांसद इतने लिमिट का पैसा ही खर्च करता है, जो भी है वो एक दिन में ज़्यादा खर्च कर देता है, ना तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले पाती है ना हमारे न्यूज़ चैनल। कैसे, थोड़ा डिटेल में बताइए। आप रोड शो देखते होंगे, एक मिनिमम पार्टी जितना खर्च करती होगी, मिनिमम से मिनिमम जितना उसका बजट होता है, मान लीजिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया होती होगी, उससे ज़्यादा खर्च करती है। दूसरी बात, जो भी नेता चुन के जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस पार्टी से है अगर जीत गया है कि अब जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें जो निर्दलीय हमारे उम्मीदवार होते हैं उनको वैल्यू कम देते हैं वो लोग। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे आप तो चुन के भेज दिए हैं, मान लीजिए हमारा विधानसभा खलीलाबाद आता है तो निर्दलीय जो उसको अलग से कुछ देना चाहिए ना सरकार को, कि अगर आप निर्दलीय आए तो उनको ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी अच्छा काम नहीं की होगी तभी निर्दलीय जीता गया है, समर्थन के साथ भी। जी जी, वही बात। और सबसे बड़ी बात हमको यह, चुनाव आयोग जो है ये अभी कहीं ना कहीं इसमें अभी बहुत संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो हैं इतने बड़े बड़े जिनका जो भी कैंडिडेट होते हैं, माना जाता है कि लोकतंत्र में मतलब सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इतनी योग्यता होती है जो भी हो, लेकिन जब कैंडिडेट का जब ब्यौरा दिया जाता है, आप देखिए 99% बता दूंगा आपसे कि उसमें हमेशा इलीट क्लास ही चुनाव लड़ता है। उसका क्या रीज़न है? इतने बड़े देश में सिर्फ वही गिने चुने लोग ही हैं और लोग नहीं आ रहे, उसका रीज़न क्या है? वही रहता बस। आप क्या समझते हो क्या रीज़न है इसका? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई इंसान 4 बार विधायक बन गया है तो सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए कि वो इंसान फिर 4 बार अगली बार चुनाव लड़े। और दूसरी बात क्या होता है, जो परिवारवाद की बात कहेंगे आप, परिवारवाद हर एक पार्टी में, मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो आप नहीं, मेरे मानना है जैसे कोई पार्टी हो हर कोई गिनवा देता है परिवारवाद हर एक पार्टी में। आप किसमें भी, BJP में चले जाइए, सपा में चले जाइए, बसपा में चले जाइए, कांग्रेस में जाइए, किसमें नहीं है परिवारवाद। अभी राजनाथ सिंह मुद्दे हैं आपके हिसाब से, जो राजनाथ सिंह है उनके भी लड़का भी MLA है, ये आपको मालूम होगा, बहुत सारे ऐसे मैं नाम गिना दूंगा भी आपको। चलो ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम? ज्योति शुक्ला। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? वैसे पढ़ाई कर मैं UPPCS की तैयारी करती हूँ। आपके हिसाब से कौन से मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए? सर, हम तो युवा हैं और पढ़ाई करते हैं, तो हमारे हिसाब से रोज़गार प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। और फिलहाल रोजी रोटी का प्रश्न सबके सामने है, सभी रोजगार पाना चाहते हैं, तो यही मुख्य मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। फिलहाल जो राजनीति हो रही है वो किन मुद्दों पे हो रही है? सर, फिलहाल राजनीति जो है वो जाति के आधार पर है और
फूट डालो राज्य करो, जो अंग्रेजों की नीति थी फिलहाल तो वही है, हिंदू मुस्लिम में बांटो और राजनीति को आगे बढ़ाओ, यही चल रहा है। तो जो अभी बीजेपी सरकार है उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, दोनों सरकारों में कितना फर्क देखती हैं आप, पहले जो कार्यकाल था जो तंत्र था उसमें और आज का जो तंत्र है उसमें? सर मैं किसी सरकार विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरा मानना है कि सरकार चाहे जो हो उसके मुद्दे जो हैं बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, मुद्दे उसके रोजगार देने के होने चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के होने चाहिए, देश हित के होने चाहिए। और जैसे अभी जो समस्याएं हमारी जो समस्याएं हैं कि वैकेंसीज कम आना और आना तो पेपरों का निष्पक्ष रूप से ना करवा पाना, पारदर्शिता कम होना, आयोग में हम जाते हैं हम याचिका लगाते हैं कोर्ट जाते हैं और हमारी कॉपीज़ नहीं दिखाई जाती हैं, OMR जला दी जाती है या मेंस की कॉपीज़ जला दी जाती हैं। तो हमारे तो यही मुद्दे हैं कि जो भी काम हो वो पूरी निष्पक्षता से हो और पूरी पारदर्शिता उसमें बरती जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम अन्नू सिंह है, UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। आपके हिसाब से किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और जो जिन मुद्दों पर फिलहाल राजनीति हो रही है वो मुद्दे उनसे अलग कैसे हैं? सर जैसे कि भैया ने कहा कि संविधान में या कहीं से भी जो संशोधन होना चाहिए वो तो क्लियर है, संशोधन कौन कर सकता है ये तो हर कोई जान रहा है। तो बस भैया अभी 70 साल में नहीं प्रोग्रेस हुआ, ये 10 साल में नहीं हुआ, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जा रहा है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि BJP फिर से आए और जो कुछ कर सकती है वही कर सकती है, क्योंकि 70 सालों में दिखा कौन क्या किया। तो अभी पिछले 10 सालों में क्या विकास हुआ है जिनके तर्ज पे आप ये बात कह रही हैं? तो सर बहुत, जैसे कि सर वो सेंट्रल लेवल पे देखिए तो सर बहुत डेवलप हुआ है, अदर कंट्रियों से हमारा रिलेशन अच्छा हुआ है। सर बहुत सारे सर इकोनॉमिकल भी डेवलप हुआ है, हमारी जो इंडिया है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो सर इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी सर पिछले जो देखे इतना बहुत अच्छा कुछ नहीं कर दिए हैं, तो अभी सर डेवलप करने में टाइम लगेगा तो पर वो होगा सर। तो जो रोजगार की समस्या आ रही है उस पर? सर रोजगार की समस्या आ रही बात सच है ये, पर सर ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, हर स्टेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और ठीक है थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी विशेषकर मैं कहूँगी कि ध्यान देना चाहिए, सबके भविष्य की बात है, तो सर बस यही कहना चाहेंगे। और ये सब तभी संभव है सर जब BJP आएगी, बस मैं यही कहना चाहूँगा। जो पेपर लीक और जो OMR वगैरह जलाने की ये बात कर रहे हैं उसके बारे में, पहले भी होता था, वो कंट्रोवर्सी है सर, पहले भी होता था, बस हम लोग उसको देख नहीं पाते थे, उसको हटा दिया जाता सर, आज भी ये सब है। और जैसे सर अभी जो प्रेजेंट में पार्टी चल रही है उसके सारे चीज़ों को उजागर किया जा रहा है, इसके पहले भी सब कुछ था, पर बात ये था सर स्टेट कंट्री हर तरह एक ही थे, सब छुपाया जाता था सारी बातों को, आज भी वही है सर। आपका क्या कहना है? सर मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, इन्होंने बात किया GDP की, अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे भारत 200 में भी फिसड्डी पे है। अब बात रही ये GDP, बात करी GDP बढ़ने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, घर में अगर एक परिवार 1 लाख रुपया कमा रहा है अगर 4 लोग नहीं कमा रहे कोई मायने रखता, मैटर करता प्रति व्यक्ति आय। GDP बढ़ने की बात तब आप देखिए जब आप महंगाई उस दर से ना बढ़ा पाए हो, महंगाई तो लगातार बढ़ती है पिछले जो बात रही रिलेशन की। सर महंगाई बढ़ी है तो अपने घर से थोड़ी ना गवर्नमेंट करेगा, वो ऐसे ही हम लोग से ही तो लेके करेगा। अभी इस कितने एयरपोर्ट्स हैं क्या है, बहुत कुछ इंटरनेशनल बहुत कुछ हुआ है सर, इसके पहले नहीं हुआ, महंगाई इसीलिए नहीं थी क्योंकि जो उनके पास था खर्च कर रहे थे सर, पूरा बेच के रख दिए बैंक, अभी दिया जा रहा है कि वैश्विक बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर विश्व बैंक का बहुत लोड हो गया, ये वो कुछ नहीं है सर, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था USA की है सर, वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर वैश्विक जो है बैंक का लोन है कर्जा है सर, वो तो डेवलप हो चुकी है, हम लोग अभी डेवलपिंग में हैं। तो सर ये कोई मतलब नहीं बात हुई कि हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, ये है उधार मांगकर घी पीने वाली बात हुई, उधार मांगकर घी पीना आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना नहीं कहलाता। सर ऐसी कोई बात है ही नहीं। सर मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ ग्रेजुएशन में, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि GDP बढ़ जाने से आपकी जमीनी स्तर पर हालात नहीं ठीक हो जाएंगे, आप किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी XYZ जाइए, वहाँ आप देख लीजिए गरीबी आज भी उससे न्यूनतम चली गई है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो बात रही ट्रेड की, जब भारत अपने यहाँ निर्माण ही नहीं कर रहा है, अभी अभी हाल का न्यूज़ देखिए BBC न्यूज़ जो जानी मानी न्यूज़ है, उन्होंने कहा चाइना सबसे ज़्यादा भारत, अगर 100 रुपये का सामान होता है अगर भारत सिर्फ 14 रुपये का सामान दे रहा है, 96 मतलब 84 रुपये मंगा रहा है वहाँ से, तो देश कहाँ जा रहा, गर्द में ही जा रहा। आप कह रहे हैं यहाँ पे कुछ बना ही नहीं रहे, उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तो मंगा ही रहे हैं, जब आयात करेंगे निर्यात कर ही नहीं रहेंगे तो देश वैसे भी घाटा में जाएगा, हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं सिर्फ, नौकरी है ही नहीं।
और सर एक बात ये भी है कि मुझे जो लगता है युवाओं को अधिक से अधिक नोटा का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे चुनाव आयोग पे ये असर पड़ेगा कि वो पार्टीज़ को ये संदेश दें कि आपके जो सांसद विधायक हैं वो इस स्तर पर काम नहीं कर पा रहे हैं कि जनता उनसे संतुष्ट हो, इसका तभी वो नोटा दबा रहे हैं। और आप अच्छे कैंडिडेट्स को उतारिए या जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो अच्छा काम करें ताकि जनता उनसे संतुष्ट रह सके और वो नोटा का इस्तेमाल ना करें। जो अखबारों में मीडिया में आप लोग क्या दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि आप अपना वोट मत बर्बाद कीजिए, आप नोटा का इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि मुझे ये लगता है या हम जैसे लोग ये चाहते हैं कि अधिक नहीं अखबारों में, मैं बड़े बड़े अखबारों में मैंने कटिंग रखी हुई है कि वो लोग ये दिखाते हैं कि आप नोटा का इस्तेमाल करके, मैं नाम लेने से गुरेज करूंगी लेकिन हाँ मैंने पढ़ा है उन्होंने कॉलम्स में दिया है कि आप नोटा मत दबाइए, इससे आपकी वोट वैल्यू बेकार हो जाती है, आप देने जाते हैं और आप किसी कैंडिडेट को ना देकर बिना वोट दिए और वोट देते भी है तो नोटा दबाकर चले आते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि आप नोटा का अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी राजनीति में सुधार आए और जो एक विचारधारा है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो क्षमता है, वो उसका एक सही डायरेक्शन में उसका जाना जरूरी है। अगर कैंडिडेट मजबूत नहीं हो या आपको ऐसे लगे कि ये परिवर्तन नहीं ला पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, तब आप नोटा का इस्तेमाल कीजिए। विचारक हुए हैं जी एस मिल, उन्होंने ये कहा था अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा हो तो उसको वोट ज़्यादा दिया जाए, जो नहीं पढ़ा लिखा अगर कोई पीएचडी कर लिया तो उसको वोट कम थोड़ा 10 नंबर दिया जाए। इससे क्या होगा कि पढ़े लिखे जो लोग होंगे उनकी सोचने समझने की क्षमता अलग, सरकार चुनने में ज़्यादा मददगार करेंगे। ऐसे क्या जो पीएचडी किया हुआ है जो नहीं पढ़ा उसको भी बराबर ही है। मेरे कहने का मतलब ये जी एस मिल जो कहे थे उस ज़माने में वो बातें आज सत्य होती हैं, बट अभी कोई देश लागू नहीं कर पाया इस चीज़ को। और दूसरी बात ये एच डी गौड़ा के जो सुपुत्र हैं, क्या नाम उनका, अभी नाम थोड़ा पजोल करके कुछ है, वो बताइए देश से भाग गए। एक नाम आम इंसान को, अभी आप कहीं जाए ना चाहेंगे विदेश में, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लगता है आप। अब देखिए उनको फरार होने में सेकंडों नहीं लगा। ये देश की क्या इंटरनल व्यवस्था है, एक्सटर्नल जो भी कहना चाहेंगे आप, उन पे तो हो रही है कार्रवाई, कार्रवाई हो रही। सर मैं आपसे बात सहमत हूँ, बट भाग तो गए वो, कितने लोग आए, नीरव मोदी नहीं आए, कोई विजय मार लिया, कोई आया जब से गया। आपका क्या नाम? शिल्पा। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सीजीएल की। सीजीएल, तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए और जो आपके साथी बोल रहे हैं उनसे आप कहाँ तक सहमत हैं? मेरे को तो वोट ही नहीं देना इस बार, मुझे अपने है कि तैयारी करो, इन लोगों का किसी से लेना देना नहीं है, कोई जॉब देना नहीं है। अगर इतना जॉब वॉब देते, इतना बेरोजगारी नहीं होता तो कम से कम कंपटीशन तो कम होता। यहाँ बच्चे बैठ के राशन बांट के सोच रहे हैं कि घर के खर्चे चला लेंगे, ठीक है वो उनकी 5 किलो राशन से तो घर चलने वाला है नहीं। कम से कम बच्चों को जॉब देते तो बच्चे तो इतने समर्थ हो जाते कि वो मतलब अपना घर चला सकते हैं, खुद से राशन ला सकते हैं, खुद से राशन खरीद सकते हैं, नमक तेल। अब 5 किलो चावल और चीनी दे, वो भी उसको मिल रहा है जिसके पास रेड वाला जो भी हो राशन कार्ड हो उसको मिल रहा है। ऐसा तो इसमें आप ऐसा बोल रहे हो कि वोट नहीं देना तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ ना? आप वोट दोगे तभी तो चेंज होगी। मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे यहाँ, मैं गाजीपुर की हूँ, मेरे यहाँ 1 तारीख को वोट पड़ने वाला है, बट कोई मतलब होना चाहिए ना मुझे। मैं यहाँ इलाहाबाद से जाऊँ फिर वहाँ वोट दूँ, टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लूँ, कुछ मिल सकता है। वोट से तो मुझे नहीं लग रहा है कोई रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली मेरे लिए जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, रात रात दिन मर रहे हैं, उनको उनके लिए तो सोचना चाहिए। मंदिर बनवा रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बनवाइए आप मंदिर, सब चीज़ करो, लेकिन आप तो रोजगार पे कुछ काम ही नहीं करना चाह रहे हो, एकदम उस पर बात करो। अनपढ़ गवार इंसान क्या जानेगा यार, जो पढ़ रहा है दिन रात वो जानेगा ना, वो तो एक अक्षर पढ़े हैं नहीं मोदी जी, तो वो पढ़ाई का महत्व क्या समझेंगे? पढ़ाई का महत्व वो समझता है जो यहाँ मर रहा है, जिसके घर से खर्चे आ रहे हैं 5,000 रुपये, 5,000 रुपये घर के लोग देते हैं और उसमें खर्चे चलाओ, लाइब्रेरी आओ तो अपने पर्सनल चीज़ों का करो, तो वो समझ रहे हैं ना, वो पढ़ाई का महत्व क्या समझेंगे? मुस्लिम हिंदू करते जा रहे हैं। और रही बात ये कि बच्चों के लिए कुछ करें,
अगर अगर वो क्या करना चाहिए सरकार में, मान लीजिए आप सरकार में आती हैं तो आप कौन कौन सी चीजें परिवर्तित करेंगे? इतने पहली बात तो इतने दिनों के बाद कोई फॉर्म भी आता है, ऊपर से 500 अभी यूपी पुलिस का जो फॉर्म आया 500 रुपए वो चार्ज लिए थे, फिर वो लीक हो गया, आर ओ वाला आया वो भी लीक हो गया। भैया करे तो क्या करे, एज भी खत्म होते जा रही है, घर वाले तो अब वार्निंग दे रहे हैं आ जाओ घर पे, अब शादी वादी करते हैं तो करे क्या कोई जाके, इससे अच्छा शादी भी क्या ही करे यार। अब तो ये हो गया है, प्राइवेट जॉब में भी इतना कंपटीशन हो गया है, प्राइवेट जॉब भी ढूंढने जाओ, एम काम किए हो बी कॉम किए हो, कोई पूछ नहीं रहा है 10,000 में खर्चे चलने वाले हैं। आप रोजगार देते हैं तो इतना कंपटीशन बढ़ता ही नहीं, इतना बच्चों को मेहनत, यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो साले की ग्रुप डी में फॉर्म डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, इसी के वजह से ना कंपटीशन बढ़ी है, इसी के वजह से। तो उनके रहने का क्या मतलब है, इससे अच्छा रहे ही ना वो, किसी और को चांस दिया जाए इस बार, उनका तो देख लिया गया ना 10 साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार किसी और को चांस दिया जाए, शायद वो इतने दिनों में तो कोई कुछ नहीं किया बच्चों को लेके, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को लेके कुछ तो सोचना चाहिए उन लोगों को। हम लोग यहाँ अब तो मम्मी बोलती हैं लोग कि घर पे आ जाओ शादी कर लो तुम्हारा लग गया जॉब, तो ठीक है वो तो अपनी मेहनत होती है मैं मानती हूँ, लेकिन कंपटीशन बढ़ा कौन रहा है, जॉब नहीं दे रहा है। अभी तो लीक हुआ कुछ, अब अभी यूपी पुलिस का हुआ होता तो बहुत बच्चे हुए होते ना उसमें, अब तो वो भी तो अब फिर वो आ गए, कुछ तो कंपटीशन कम होता, वो कंपटीशन कम कर ही नहीं रहे हैं, बस बढ़ाते जा रहे हैं, इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और मेरे को नहीं लगता 5 किलो राशन से वो पूरा घर चला पाएंगे मेरा, ठीक है। तो वो अनपढ़ गवार खुद हैं, और जो अनपढ़ गवार महिलाएं हैं जो घर वाले हैं वही राशन लेके खुश हैं, मैं तो ना खुश हूँ मेरे घर वाले ना खुश हैं, और बीजेपी के साथ तो बिल्कुल भी ना जाने वाला। परिवर्तन यदि आता है तो किसे देखते हो कैंडिडेट के रूप में? आने को तो सब आ चुका है, बट कोई कुछ जॉब को लेके किया नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इनको इस बार आना चाहिए, कोई और को चांस देते हैं कुछ और चीज़ें अगर करना चाहते हैं लोग तो करना चाहिए। वैसे परिवर्तन तो मुझे नहीं लगता किसी के आने से हुआ है, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। थैंक यू। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकी है। किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ? मैं सीटेट की तैयारी टीचिंग की कर रही हूँ, सीटेट की और यूपी टेट की। तैयारी करने का जो समय रहता है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आपको लगती हैं जिनका जो सुधार है वो सरकार कर सकती है? अब जैसे दीदी ने कहा अभी कि जॉब नहीं है, तो वो फर्स्ट हम लोग की प्रायोरिटी है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए वही चीज़ है कि उन्हें जॉब देनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन वैकेंसीज टाइम से निकालनी चाहिए और पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये तो सारी चीज़ें जैसे बता दी सभी लोगों ने, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ इनमें सुधार किस तरीके से हो? उन्हें टाइम से टाइम वैकेंसीज निकालनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो पेपर हो रहा है उसके रिजल्ट भी निकले और सबका सिलेक्शन भी हो। सबका तो कैसे होगा सिलेक्शन, मतलब जो क्वालिफाई कर रहा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो अभी जो बीजेपी सरकार है इससे पहले कांग्रेस थी, इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं कर रही और ना ही किसी को बोल रही हूँ, बट जो भी अभी इस टाइम बीजेपी कर रही है, जैसे उन्होंने सारी वादे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए किए थे, लेकिन उन्होंने बनाया सिर्फ, मुझे लग रहा है मंदिर ही ज़्यादा है और हिंदू मुस्लिम के चीज़ों के लिए ज़्यादा ही बोल रहे हैं वो चीज़ें। तो इस बार तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार आनी चाहिए, परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम? मेरा नाम रितेश कुमार यादव। इस तरफ। क्या नाम है? रितेश कुमार यादव। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे तो कोई फिक्स नहीं है, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू किए हैं तैयारी करने। क्या पढ़ रहे हो? बी एड कम्प्लीट हो गया है मेरा। अब सोच रहे हैं कि कोई ना कोई जॉब तो लगेगी, और नॉर्मली ऐसा कोई किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कहना चाहते हैं, चुनाव में किन मुद्दों पे वोट देना चाहते हैं? मैं तो रोजगार के मुद्दों पे वोट देना चाहूँगा। रोजगार के मुद्दों पे जो मुद्दे चल रहे हैं उनमें से कोई पसंद नहीं? रोजगार में समस्या आती है जी, इसके अलावा कोई और मुद्दा? जैसे ये तो क्या सबने बताया, कुछ और अगर अपन सोचे समझे तो? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, सिंपल तो है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे मैं वोट करूंगा। क्यों नहीं करते सपोर्ट? सपोर्ट क्यों नहीं करते?
क्यों सपोर्ट करें किसी पार्टी को, सब अपने में अपने से अपने के लिए सब लड़ रहे हैं। अभी कोई सत्ता में आएगा अपने ही लूट के अपने घर परिवार को खुद ही बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हम भी कोई जॉब नौकरी करेंगे हम भी लूटेंगे, जो कहना है साहब जनता में ही सबका नियम चल रहा है कि कोई नौकरी करेगा पहले लूटपाट मचाएगा। नॉर्मली यही सबका फंडा है। मैं भी सोच रहा हूँ भाई नौकरी लगेगी तो पहले लूटना है, चूतिया तो जनता है बस। मतलब नौकरी पे ही ध्यान है, पार्टीबाजी से परेशान हो चुके हो। आपका क्या नाम? अंकित पांडे। किस चीज़ की तैयारी करते हो? UPSI। UPSC की? UPSI। अच्छा, तो सेलेक्ट होने के बाद में क्या परिवर्तन लाओगे? सर मेरा मेन मकसद है सर क्राइम कंट्रोल। सर क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल करो। हाँ सर, ऐसे सरकार का सर देखा जाए कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। जोर से। सर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, अगर देखा जाए तो हर जो सरकारें आती हैं सबका अलग अलग मकसद होता है। और ऐसा नहीं है सर कि हर सरकार में, सर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी सरकार में क्राइम घट जाए किसी सरकार में बढ़ जाए। सर चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सर कोई सरकार हो, सर क्राइम तो सर होते रहते हैं, थोड़ा मोड़ा सर कंट्रोल हो सकता है आपस में। तो ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसमें क्या कारण मानते हो सर? थोड़ा सा जोर से बोलो ताकि। सर क्राइम बढ़ने का कारण है सर पैसों की सर जरूरतों की पूरी नहीं हो पाती लोगों की। सर पैसों की कमी, उससे सर क्राइम बढ़ता है, लोग एक दूसरे के प्रति सर भेदभाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति सर मतलब पैसों के चक्कर में सर करते हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? फेमिना। किस चीज़ की तैयारी? LLB कर रही हूँ। LLB कर रहे हो, वकील। तो आपको जो मुद्दे अभी देश में चल रहे हैं उनमें से कौन सा मुद्दा खराब मानते हो और कौन से मुद्दे आप चाहते हो जिन पर राजनीति हो? धार्मिक ही एक खराब मुद्दा है जिस पर सिर्फ बातें होती है। बाकी शिक्षा को लेकर ही हम बात करेंगे, युवा है हम तो बस। और कोई भी सरकार आए कोई दिक्कत नहीं है, बस रोजगार दे और बेरोजगारी खत्म हो बस। जो एजुकेशन व्यवस्था है अपने देश की उसमें कमियां नज़र आती हैं या फिर आप संतुष्ट हो? कमी तो बहुत कमियां हैं। जैसे एक आदि बताओगे? जैसे मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं, डिग्री प्राप्त हो रही है, नौकरी तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। सिर्फ डिग्री प्राप्त करके कुछ लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ उसके साथ साथ हमें मतलब नौकरियां भी मिलनी चाहिए बस। और क्या बोलूँगी बस। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रमोद यादव है और मैं UPPCS की तैयारी करता हूँ। जी सर। तो आप पेपर क्लियर हो जाता है तो फिर क्या एक चेंज लाना चाहोगे? सर पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटी मीडिया हैं, जो छोटे स्तर के हैं, अभी हम छोटा नहीं कहेंगे, आप रेवोल्यूशनरी हैं, आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के पास आए और बच्चों का राय जाने। क्योंकि बड़ी मीडिया, हम जहाँ मीडिया में देखते हैं युवा की बात नहीं होती, युवाओं की बात बहुत ही कम होती है, बहुत कम मुद्दे उठाए जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद वो करता हूँ। और फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वो मुद्दे पे आइए। हाँ जी, है कि देखिए हम लोग तैयारी तो इंसान करता है, बट क्या है कि जो पेपर लीक होता है, अब अच्छा से ये नहीं है कि सारे कैंडिडेट ये हम किसी पार्टी के वो सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी हैं, तो वो आएंगे जीतने के बाद वो अस्थिर हो जाएंगे। जब तक दो तीन साल वो जब तक चुनाव है तब तक वो कर रहे हैं, बाकी फिर जीतने के बाद वो कोई सारे मुद्दे को भूल जाएगा, अवॉइड कर देगा हमारे। आप अगर आपका पेपर क्लियर होता है तो बाद में आप क्या एक चेंज लाना चाहोगे जो आपके कार्य क्षेत्र में रहेगा? जी मैं अपनी सबसे, अगर मैं उस पोस्ट पे नहीं हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, उस पोस्ट के लिए तो नहीं जा रहा, लेकिन मेरी दिली इच्छा है, अगर मैं मेरी जैसे वो दीदी ने कहा एक चीज़ की एडुकेशन पॉलिसी जो है केवल डिग्रियाँ ली रही जा रही हैं, हम चाहते नहीं हैं कि हम डिग्री लें। हर आजकल रोजगार है मगर हम लोगों को तरीका नहीं पता है, लोगों के पास उस तरह का ज्ञान है, तो मैं उसमें सर परिवर्तन लाना चाहूँगा ताकि जो बेस है बच्चों का वो अच्छा से तैयार हो सके, वो आगे आए तो खड़े केवल सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहें और देखें अचीव एंड दे
थ्रू आउट द मैनी गोल्स। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था उसमें क्या कमियां नजर आती है? मेन है जो बेस, अभी हम लोग का सही नहीं है, बेस मजबूत नहीं है, बाकी सब सही है, धीरे धीरे ही चेंज आता है। बेस मतलब थोड़ा समझाइए जी। बेस मतलब कि स्कूली शिक्षा जो है, बच्चों को जो स्कूली इन्वायरमेंट, जो स्कूली शिक्षा है, हम लोग के यहाँ प्रैक्टिकल बहुत ही कम होता है। प्रैक्टिकल के थ्रू अगर अभी देख लीजिए, जितना AI का टाइम है, इसमें जो है बच्चों को बचपन से ही अगर कंप्यूटर, अभी चाइना का पॉलिसी देखते हैं हम, एडुकेशन पॉलिसी, उनमें वो बच्चे उनको पहले से मदरबोर्ड, कीबोर्ड ये सब है, उनको खोल के दिखाया जाता है ना, वो प्रैक्टिकल करते हैं। और वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की कमी है, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत कम है, प्रैक्टिकलिटी की कमी है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी की कमी है। ठीक है, धन्यवाद।